एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के अंदर उच्च के ग्रहों की स्थिति होने पर जातक को किस तरह का प्रभाव उसको प्राप्त होता है। तो जनरली जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो ये देखिए, यहाँ कुंडली है। सैंपल के लिए एक हमने कुंडली लगा रखी है, इसमें ये 10 नंबर की मकर लगने की कुंडली है। ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11, 12 भाव है। ये केंद्र भाव है, पहला, चौथा, सातवां, दसवां केंद्र भाव, और ये त्रिकोण भाव है। ये है पांचवा भाव और नौवां भाव, और ये त्रिक भाव है, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। तो जब केंद्र में ग्रह रहते हैं उच्च के तो अच्छा प्रभाव देते हैं। वही कुंडली में अगर त्रिकोण में अगर रहेंगे तो वो भी अच्छा प्रभाव देंगे। तो इस यहाँ पे हम उच्च के ग्रह की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ बृहस्पति जो है उच्च का हो गया है। बृहस्पति देखिए, गुरु कर्क राशि में उच्च का है। ये कर्क राशि है, 4 नंबर की, इसमें बृहस्पति उच्च का होता है। और यहाँ बुध भी देखिए, ये भी उच्च का है, बुध कन्या राशि में उच्च का है। तो ये जब भी कुंडली में उच्च के ग्रह केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो उस कुंडली के जातक के लिए जो ग्रह उच्च का है उसका प्रभाव अच्छा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे गुरु ग्रह अगर उच्च का है तो गुरु का जो सिग्निफाई करता है उसको, उसमें उसको अच्छा फायदा होता है। तो गुरु के पास में बिजनेस है, अगर कोई बिजनेस में काम कर रहा होगा तो उसका, जब गुरु की महादशा, अंतरदशा, पतंतरदशा चलती है तो जातक को अपनी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होती है, उनको वेल्थ अच्छी प्राप्त होती है, उनका नाम अच्छा होता है, उनको लीगल अफेयर्स में भी फायदा होता है, बैंक में भी अच्छा उनके उच्च पद प्राप्त होता है। अगर वो जहाँ भी जो भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ पे उच्च पद का प्राप्ति होती है। तो इस तरह हमने जाना कि गुरु उच्च है, मान लो वो मंत्री है तो उसको अच्छा पद प्राप्त होगा उसको। इस तरह गुरु के प्रभाव आप जान सकते हैं कि जब वो उच्च का होगा तो हमने जो बताया इस तरह के प्रभाव उसको हो सकते हैं। इसी प्रकार बुध जो कारक है, बुध के पास में मरकुरी जो है वो सिग्निफिकेंट कहाँ का है, प्रोफेशन का है। अगर वो जातक बुद्धिवादी है, प्रोफेशन में है तो उसका अच्छा फायदा होता है। उसमें जब बुध की दशा अंतरदशा चलेगी जातक को तो जातक को अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होगी। वो एजुकेशन में अच्छा करेगा, वो अगर स्पीच के काम में होगा तो अच्छा रहेगा, इंटेलेक्चुअल रहेगा, अच्छा कम्युनिकेशन करेगा वो राइटिंग के फील्ड में अच्छा काम करेगा, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अच्छा काम करेगा, जर्नलिज्म में अच्छा काम करेगा। इस तरह बुध के पास जो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वो बहुत अच्छी उन्नति करेगा जातक को। और जैसे हमने बताया कि वो संपादक होगा, शत्रुनाशक भी होगा, सुखी होगा, लेखक होगा, बुद्धिमान होगा। तो उच्च की जब बुध की दशा चलेगी तो अकाउंटेंसी में होगा, सीए होगा, तो उसके काम अच्छे चलते हैं। तो बुध के जो भी काम है, जो बुध के जो काम में वो काम कर रहा है तो उस फील्ड में उसको अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जो जो ग्रह उच्च के होते हैं, अगर सूर्य मेष राशि में उच्च का हो, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा तो जातक को अच्छी नेतृत्व क्षमता प्राप्त होगी, जातक को मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, जातक को विल का पावर अच्छा बढ़ेगा, पोजीशन जो है उस पर हाई पोजीशन पे जाएगा वो। इस तरह से सूर्य के उच्च के होने का उसको फायदा मिलेगा जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी। इसी प्रकार जब हम मंगल ग्रह की बात करें, अगर मंगल ग्रह जो मकर राशि है, मान लो ये मकर राशि है, अगर मंगल यहाँ पे बैठ जावे आपकी कुंडली में तो मंगल के कारण आप स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमा सकते हो। उस टाइम पे अगर डॉक्टर हो, सर्जरी की फील्ड में हो, अच्छा काम आपका कर सकते हैं। मैकेनिकल वर्क में हो तो वहाँ पे अपना अच्छा हुनर दिखा सकते हैं, आर्मी में, लैंड में आदि के काम में अच्छा उनका नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। इस तरह मंगल अगर उच्च का होने पर यह फायदा मिलेगा।
आगे चलें तो हम देखें कि जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह मान लो उच्च का है। शुक्र ग्रह का मीन राशि 12 नंबर की राशि में उच्च का होता है। ये 12 नंबर की राशि है, अगर ये केन त्रिकोण में आ जावे, यहाँ 12 नंबर में आपका शुक्र आ जावे तो उच्च का हो जाएगा। तो आपने जो भी आर्टिस्ट वगैरह जो कलाकार हैं जो सिनेमा में काम करते हैं, अच्छी ऊंचाइयों पे जाते हैं और उनको उसमें अच्छा नाम और पैसा धन ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है। ये कला का प्लेनेट है, तो कला से संबंधित जो भी काम आपका संगीत से है, जो भी काम करोगे तो उसमें जातक को फायदा होता है। म्यूजिक का फील्ड है, डांसिंग है, व्हीकल लग्जरी आर्टिकल्स के फील्ड में हो, इंडस्ट्री में हो, केमिकल इंडस्ट्री में हो, तो जातक को अपने काम में अच्छे ऊंचाइयां प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि शुक्र का मीन राशि में होने से ये फायदे हो सकते हैं। ऐसे इसी तरह से हम देख सकते हैं कि शनि जो है तुला राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ 7 नंबर की जो राशि ये यहाँ है, अगर यहाँ पे शनि आ जावे, ये केंद्र में है, तो शनि की पोजिशन अगर उच्च की आपकी कुंडली में बनी हुई हो और वो तुला राशि में शनि बैठा हो, जैसा यहाँ बता रहे हैं, यहाँ अगर शनि बैठा होगा केंद्र में, तो जातक को शनि के कारण अपने फील्ड में वो ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकता है, जमींदार हो सकता है, कृषि के फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। तो हर ग्रह जो उच्च का होता है उसका उसी तरह का जो प्रभाव होता है। तो पावरफुल होने पे ये जो सिग्निफिकेंट लॉन्गेविटी, जातक की उम्र अच्छी रहती है, गार्डनिंग फार्मिंग के फील्ड में अच्छा काम करता है, माइनिंग के फील्ड में अच्छा है। अगर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में शनि अगर आपका उच्च का हो तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमने मोटा मोटी ऐसा जाना कि आपके जब कुंडली में ग्रह उच्च के होते हैं तो किस तरह से केन त्रिकोण में होने पे वो अच्छा फल देते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हो तो मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर 9893234239 है। आप मेरे से टेलीफोन से परामर्श ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी दक्षिणा जरूर उसमें आपको देना चाहिए। और जब भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए तथा शेयर कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।